हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द अरेंजमेंट ऑफ The arrangement of electromagnetic radiation in order of their decreasing wavelength and increasing frequency. Okay, are known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये बता देती हूँ मैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है वो है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में लगानी है हमने, या उसमें क्या होगा, या तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मतलब ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसमें जो ये इसकी मैक्सिमम टाइम ये पूछ लिया जाता है कि लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, तो हमें ये स्पेक्ट्रम अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है। ओके, तो क्या है, इसे यहाँ से करते हैं। रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड रेज विजुअल रेज, फिर है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, फिर है गामा रेज, लास्ट वन इज कॉस्मिक रेज। तो इसका जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है वो बनाया है जैसे रेडियो वेव्स, रेडियो से मैंने बनाया है रेखा। क्या बनाया है, रेखा। माइक्रो से मिल्खा, इंफ्रारेड से इंदु, विजिबल से विजिट, अम्ब्रेला, वायलेट से अम्ब्रेला, और एक्स रे से एक्समस्ट्री, एक्समस ट्री, और गामा रेज से गए। ओके, और कॉस्मिक रे से कसोल में। तो मैंने क्या बनाया इसका शॉर्ट ट्रिक, रेडियो वेव से रेखा, माइक्रोवेव से मिल्खा, इंफ्रारेड से इंदु, ठीक है, रेखा मिल्खा एंड इंदु। विजिट करने कहाँ गए, विजिट करने कहाँ गए,
विजिट करने गए, क्या कैसे गए वो, अम्ब्रेला लेके गए, अम्ब्रेला लेके गए, अम्ब्रेला लेकर एक्समस ट्री को देखने के लिए गए, ठीक है। रेखा मिल्खा इंदु विजिट करने अम्ब्रेला लेके एक्समस ट्री देखने के लिए गए। कहाँ गए वो, कसोल में गए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को क्या हो रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ओके, और जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, ओके। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर है इसका, जैसे हमने इसकी वेवलेंथ कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारी वेव्स हैं, जैसे यहां से यहां तक ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आगे आगे जाके क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक क्या होता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियोस में आपसे शेयर भी किया था, ये होती है हमारी वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये क्या हमारा रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है यहाँ ज्यादा होती रहेगी, पर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वेवलेंथ क्या होती रहेगी, ये डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है, बिल्कुल कम कम होती जाएगी ये, ऐसे यहाँ वेवलेंथ बिल्कुल थोड़ी है और जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर इसके थोड़े थोड़े हम इसके फंक्शन भी लर्न कर लेते हैं, जैसे जो गामा रेस है, गामा रेस कहाँ यूज होता है, गामा रेस फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, तो जो गामा रेज है उसकी रेंज है फ्रीक्वेंसी की 10^19 से लेके 10^20 Hz तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो गामा रेज हैं ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती है इसकी, गामा रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, और कहाँ यूज होती है गामा रेस, कैंसर के ट्रीटमेंट में, यूज टू ट्रीट कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो एक्सरेज है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक्सरेज कहाँ यूज होती है, एक्सरेज की सबसे पहले ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम को इसमें पूछ लिया जाता है कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, तो एक्सरेज जो डिस्कवर किया था सबसे पहले डब्ल्यू रॉन्सन ने किया था, डब्ल्यू रॉन्सन ने, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 10^16 टू 10^19 Hz तक फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी। और जो एक्सरेज है वो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर्स है वो बहुत ज्यादा है, एक्सरेज पासिस या पुसेस हाई एनर्जेटिक पावर, हाई एनर्जेटिक पावर। आपने देखा होगा जैसे मेडिकल फील्ड में इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है, जैसे किसी को
ब्रेस्ट में पेन, चेस्ट में पेन हो रही है, तो क्या कराते हैं? सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे करो, तो सबसे पहले एक्सरे करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि कौन सी जो बीमारी है वो शरीर में लगी हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है मेडिकल फील्ड में। फिर है हमारा नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अल्ट्रावायलेट रेज सबसे पहले डिस्कवरी की थी रिटर ने, रिटर इन 1801 में। ओके, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी 10^14 टू 10^16 हर्ट्स। और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या हो जाता है, जैसे सनबर्न हो जाता है या स्किन कैंसर हो जाता है, या स्किन एजिंग हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, और फिर है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो रेंज है वो है 4×10^14 टू 8×10^14 हॉर्स तक। और जो ह्यूमन आई है ये सेंसिटिव होता है इसके लिए। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू ओनली विजुअल पार्ट ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। ओके, विबग्योर। जैसे इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होते हैं। इसमें जो वायलेट मैक्सिमम टाइम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैसी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और जो रेड कलर है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर हमारा इंफ्रारेड रेज। इंफ्रा रेड, जो इंफ्रारेड है उसकी डिस्कवरी सबसे पहले हर्शचेल ने की थी। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये हीट रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेज आर हीट रेडिएशन। एंड ऑल हॉट बॉडीज आर द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है
3 इंटू 10 रेज टू पावर 11 टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज तक। और जो इसके एग्जांपल हैं वो है जैसे सनलाइट हो गया, फायर हो गया, सनलाइट, फायर एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 10 रेज टू पावर 19 टू 10 रेज टू पावर 11 हर्ट्ज तक। और ये कहाँ यूज होता है? ये रेडार में यूज होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। यूज इन रेडार एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ये कुकिंग में भी यूज होता है। यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड फॉर कुकिंग। फिर है हमारा लास्ट वन इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े एंटीनास बनाए जाते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एंड टीवी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में ये यूज होता है। ठीक है, जैसे यहां पे सबसे पहले क्या था? रेडियो वेव्स, फिर हमारा आ गया माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल। ये जो विजिबल रीजन है इसमें आता है विबग्योर। ठीक है, जो मैंने आपको जो रेनबो था उसका एग्जांपल दिया था। फिर इस विजिबल रेंज के डायरेक्ट बाद आता है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर उसके बाद आता है गामा रेज, उसके बाद कॉस्मिक रेज। ओके, जाते जाते मैं आपसे एक विचार शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो मैक्सिमम लोग हैं ज़्यादातर क्यों ना कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अपना दिमाग कम लड़ाते हैं और दूसरे जो लोग हैं उनकी नकल ज़्यादा करते हैं। आप अपना दिमाग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप कोई ना कोई टेस्ट क्वालिफाई करें। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।